झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे में पंचायत भवन में श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज गंगधर चोमेला के चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी बंटी सोनी ने बताया कि मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज गंगधर चोमेला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव के पद हेतु चुनाव 12 फरवरी को होना तय थे, जिसको लेकर प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन 5 फरवरी को भरा एवं 12 फरवरी को शत प्रतिशत मतदान के साथ चुनाव संपन्न हुए। चुनाव संपन्न होने के बाद मतों की गणना की गई, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु अशोक कुमार सोनी गंगधर को 31 मत प्राप्त हुए, वहीं सचिव पद हेतु अंकित सोनी को 31 मत प्राप्त हुए, उपाध्यक्ष पद हेतु मत ओम प्रकाश सोनी को प्राप्त हुए। साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर चौथमल सोनी निर्विरोध चुने गए। वहीं चुनाव परिणाम की घोषणा चुनाव समिति के दैनिक भास्कर पत्रकार यशोदवर्धन शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा जगदीश भावसार, पंचायत सचिव सदस्य प्रदीप डोसी, संतोष सोनी और उपाध्यक्ष लालचंद सोनी द्वारा की गई। चुनाव प्रक्रिया उपाध्यक्ष हरीश शर्मा और पत्रकार शुभम गुप्ता द्वारा करवाई गई। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा चुनाव समिति, समाज जन व ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया। चुनाव करवाए गए मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज गंगधर चोमेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के चुनाव करवाए गए। लोकतांत्रिक तरीके से ग्राम पंचायत भवन चोमेला में चुनाव करवाए गए। सभी मतदाताओं का जो है मतदान करवाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार सोनी, पिता मोहन लाल सोनी, उपाध्यक्ष पद के लिए ओम प्रकाश सोनी, पिताजी रतनलाल जी सोनी, सचिव पद के लिए अंकित कुमार सोनी, पिता रमेश चंद जी सोनी निर्वाचित हुए हैं। साथ ही कोषाध्यक्ष पद के लिए चौथमल सोनी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। सभी मतदाताओं ने ग्राम पंचायत भवन में मतदान किया। मतदान पूरी तरह से पारदर्शीता के साथ मतदान किया करवाया गया।